सोमवार को नगर पंचायत गंडई में गहमा गहमी रही। नगर पंचायत अध्यक्ष श्याम पाल ताम्रकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने की तिथि निर्धारित थी, जहां पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में मतदान करना था। मतदान के लिए एसडीएम गंडई नगर पंचायत अधिकारी प्रमोद शुक्ला व एसडीओपी की मौजूदगी में नगर पंचायत भवन के सभागार में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुल 15 पार्षदों ने मतदान में भाग लिया, जिसमें से 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, वहीं 4 पार्षदों ने विपक्ष में मतदान किया, जिसके कारण श्याम पाल ताम्रकार को अपने पद से हटना पड़ा। गौरतलब है कि नगर पंचायत गंडई में कांग्रेस व भाजपा के 7-7 पार्षद तथा एक निर्दलीय पार्षद है। श्याम पाल ताम्रकार भाजपा पार्षदों के सहयोग से नगर पंचायत के अध्यक्ष बने थे। नगर पंचायत गंडे के अध्यक्ष पद के अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मेलन की तिथि आज के लिए निर्धारित थी। इसमें 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और 4 पार्षदों ने इसके विपक्ष में वोट दिया। नियमानुसार परिषद के कुल निर्वाचित पार्षद हैं उनके आधे से अधिक और उपस्थित एवं निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक पार्षद यदि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करते हैं तो प्रस्ताव पारित माना जाता है। चूंकि 11 दोनों से अधिक है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आज का पारित हुआ है एवं अध्यक्ष का पद तत्काल प्रभाव से रिक्त हुआ है। इस संबंध में जो भी निर्णय है वो वेद प्राधिकारी कलेक्टर राजनांदगांव की तरफ से दिए जाएंगे। सर नाम पद बताइएगा। सुनील कुमार शर्मा, अनुभागीय अधिकारी राजस्व गंडे क्षेत्र। थैंक यू। 11-4 उसका कांग्रेस और बीजेपी के सशक्त पार्षद के साथ बीजेपी से बाहर, और चूंकि बीजेपी के जितने पार्षद आए वो सब नया थे और महिला थे, उन लोग निर्दलीय पार्षद को कुछ अध्यक्ष बनाए, अपना वोट दिए थे कि अध्यक्ष बने और नगर विकास करें, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा सिर्फ अपना ही देखते हुए उन लोगों का भी अपमान किया। इस कारण बहुत ही उन लोग छिड़े हुए थे और हम लोगों का सहयोग से और हम उनके सहयोग से इस पार्षद को, इसीलिए आज ये देखने को मिल रहा है कि 11-4 की स्थिति बदल। आगे जो भी हमारे सीनियर नेता लोग हैं, जो भी आदेश सात पार्षद और जो हमारे साथ चार खड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। सीनियर लोगों का हम लोग आदेश। नामों पर बताइए। वार्ड नंबर 7 पार्षद।